कई गधे यहाँ पर भी है, ऐसा नहीं है। What's your story? What's your sign? मेरे को बाहर जाना है। ठंड तो है पर ये अच्छा है कि चलो थोड़ी सी ब्राइटनेस है, थोड़ी सी धूप लगी हुई है। अभी भी हमारे टमाटर ना हो ही जा रहे हैं, थोड़े थोड़े हो रहे हैं बट हो ही रहे। एक का दुक्का तो हम तोड़ के ना यहाँ से निकाल ही लेते हैं। ये देखो ये रहे जी चेरी टमाटोज। टेम्परेचर्स ना बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। अभी का टेम्परेचर जो है 7 डिग्रीज है अंदर, तो क्योंकि शीशे लगे हुए हैं। इस तरह की बालकनीज रहती है यूजुअली अपार्टमेंट हाउसेज में, तो इतना पता नहीं लगता है। इसीलिए मैंने देखो जी स्लीवलेस थी नाइट सूट डाला हुआ, नहीं तो 7 डिग्रीज पे तो अच्छी खासी ठंड होती है, हमारे दिल्ली वाली ठंड हो जाती है। तो अभी जब बाहर जाएंगे तब तो जैकेटें वगैरह डालनी पड़ेंगी। प्लान ऐसा है कि नाश्ता वाश्ता करके बस फिर It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Don't care what other people say. We're living like this can be a final day. We're dreamers. Don't care what... I don't know if he'll come. Okay. How are you? I'm good. How are you? I'm doing good as well. Come alive in the nighttime. You and I, we come alive. We come alive. We come alive. Bus stops कुछ इस तरह के दिखते हैं, यहाँ पर क्लोज नहीं होते, तो जितनी भी जैसे ठंड वगैरह भी होती है ना तो आपको इन्हीं में खड़ा रहना पड़ता है। मास्क पहनना तो अनिवार्य है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे स्पेशली मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। बस का टाइम तो देखा ही नहीं मैंने, अभी मेरे को टाइम ही नहीं पता कितना हुआ। और बस अगर आ गई ना और मैंने ऐसे हाथ नहीं दिया तो बस रुकेगी नहीं। क्योंकि जी मेरे पास बेबी है और प्राम है तो इसीलिए मेरे को कोई टिकट देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को क्या, जो इसके साथ भी बेबी रहेगा प्राम में उसकी एंट्री एक तो पीछे से होगी, नहीं नहीं मतलब सेंटर से होगी बस में, और पूरे फिनलैंड के अंदर पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ भी मैं यूज़ करूँ, ट्रेन करूँ, बस करूँ, ट्राम्स करूँ, तो मेरी और बेबी की टिकट बिल्कुल फ्री है। नहीं तो जो भी बंदा बस में चढ़ता है तो उसकी टिकट जो हेलसिंकी वाला एरिया है इसके अंदर 2 यूरो एंड 80 सेंट्स है, एंड कितने टाइम के लिए, 90-80 मिनट के लिए इतना पैसा लगता है एक साइड का। थोड़ी मैं सब्जियां देखती हूँ यहाँ पर हैं कि नहीं। यहाँ के ना रेट्स ठीक ठाक है, मुझे कुछ चीज़ों के रेट्स यहाँ पे अच्छे लगते हैं और इवन क्वालिटी भी जो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी बेटर होती है लिडल से। चलिए आपको एक और चीज़ दिखा दी हूँ कि ये ना जो सब्ज़ी है सिर्फ ये इसी टाइम आएगी है सितंबर के महीने के अंदर, क्योंकि हैलोवीन आने वाला है ना। वैसे ना जी इन कद्दूओं को बाय करने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था और मुझे याद भी नहीं था कि ये आ गए होंगे, बट आप क्योंकि दिख गए मुझे लगता है इनको बाय कर ही लेना चाहिए। ये ना जी दूध है यहाँ पे, इसको देखो जी लिखा ना से इंडिया में होता है ब्लू रेड, वो ये कैवुत दिखाते हैं। अलग अलग तरह की ब्रेड्स हैं यहाँ पे। We come alive.
और ये ना मैदा है, वैसे तो अलग अलग तरह के यहाँ पे मैदे पड़े हैं, देखो पूरी लाइनें पड़ी हुई हैं, बट हम ये वाला मैदा ट्राई करने वाले हैं। किसी ना किसी चीज़ में से पैनकेक्स वगैरह बनाने हैं, भटूरे वगैरह बनाने हैं, इसमें चल जाता है। और इनको ना बहना याहो बोलते हैं फिनिश के अंदर, मतलब टिपिकल मैदा। आते काफ़ी टाइम लग गया ना, रश था काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा आज ना। ऐसे होता है लेट इवनिंग में, लोग जैसे निकलते हैं अपने कामकाज से घर पे, तो यहाँ पे रोटियाँ बनाते नहीं है यहाँ के लोग, तो वही ग्रॉसरी स्टोर से कुछ ना कुछ उठाया और ले गए। टाइम देखो जी, टाइम हो गया है जी 8:30 रात के, बट ये देखो थोड़ा थोड़ा दिन अभी भी निकला हुआ है, बट दिन छोटे हो गए हैं और हम डार्कनेस की टुवर्ड ना प्रोसीड कर ही जा रहे हैं। कई गधे यहाँ पर भी हैं, ऐसा नहीं है। इतनी तेज़ वो ये बम्पर फूटा हुआ जो होता है, जैसे हमारे होलियों पे नहीं चलता, यहाँ भी चलाते हैं। थोड़े दिन की ऐश है, कर लेने दो जी यंगस्टर्स बच्चों को। बस ये बस की वेट हो रही है, बस लेंगे और बस घर चलेंगे, और घर जाके खाना वाना भी बनाना है। अभी बेबी भी हमारी भूखी हैं, उनको भी दूध दूध पिला लेंगे, कुछ ना कुछ खिला देंगे। पॉरेज बहुत पसंद से खाती है हमारी बच्ची, तो बस यही है, वो सब खिला देंगे और बाहर आके खुश हैं हम। घर में सारा दिन काएं काएं हैं, शायद बच्चा भी बोर हो जाता होगा ना। बाहर आके जी हम बहुत खुश हैं, ठंड हो गर्मी हो कुछ भी हो, घर से बस बाहर लेके चलो। बोल नहीं सकती ना अभी, पर हम लोग समझ जाते हैं। और ना ऐसे जब आपको उतरना है ना, तो बसेस में कोई कंडक्टर्स तो है नहीं, तो अब क्या होता है कि यहाँ पर ना लाल और नीले रंग के ना बटन लगे हुए हैं, तो जैसे ही आपका स्टॉप आने वाला होता है ना, उससे पहले आपको वो बटन दबाना होता है, तो उससे एक सायरन सा बज जाता है, जिससे ड्राइवर को इंटीमेशन हो जाती है कि अगले स्टॉप पे रुकना है। अगर आप वो नहीं दबाओगे ना, तो ड्राइवर रुकेगा नहीं, वो सीधा चला जाए। ये दिख रहा है, इस पर स्टॉप का बटन लगा हुआ है ना, ये हम सब लोगों के लिए। बट अगर जैसे कोई व्हील चेयर पे है, या आपके साथ प्रैम है, बच्चा है, यही वो सायरन है, तो वो वाला साइन लगेगा उसका। ये देखो, जैसे मैं अभी दबाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अभी उतरना है। तो इससे क्या है कि जो ड्राइवर है उसको पता लग जाएगा कि बच्चा प्रैम के साथ उतर रहा है, तो धीरा रखना, एकदम से दरवाज़ा बंद नहीं करना, क्योंकि प्रैम को निकालने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बड़ी अच्छी चीज़ है ये, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है यहाँ पर। और ना एक और चीज़ है जो मुझे आज भी थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है, वो रोड्स पे ना लेफ़्ट और राइट का, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या, हम लेफ़्ट पे चलते हैं, यहाँ पे राइट पे चलना पड़ता है। और इवन जी जो गाड़ी के स्टेयरिंग है, वो भी इंडिया से उल्टे ही है, तो थोड़ा बहुत ना कन्फ्यूजन हो ही जाता है। और ना कभी कभी क्या होता है, जैसे आप रोड पर चल रहे हो और वहाँ पर ना साइन बने हुए हैं कि ये साइकिलों के अलग हैं और पैदल चलने वालों के लिए अलग हैं, कभी कभी ध्यान नहीं देते हम, तो हम साइकिलों वालों पर चल पड़ते हैं। एक मिनट, What up? तो जी जो साइकिल वाले हैं ना, वो हॉर्न बजा देते हैं, सिर्फ उसी टाइम पे वो हॉर्न बजाते हैं। इवन कि गाड़ियों पे भी ऐसे होता है, तभी हॉर्न पड़ता है। और जब आपको हॉर्न पड़ जाए ना, तो समझ जाओ कि वो एक तरह की आपको गाली मार रहा है। कोई भी शीशा खोल के नहीं बोलेगा ए ध्यान से देख बे, सब हॉर्न मार देंगे। वैसे हॉन्किंग का यहाँ पे कल्चर इतना ज़्यादा है नहीं, बट सिर्फ तभी हॉर्न मारते हैं जब आगे वाला बंदा कुछ गलत चला रहा हो। What's your story? What's your sign?